हाय एवरीवन, आज हम प्रिंटर स्पूलर डैमेन प्रॉब्लम देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंटर स्पूलर डैमेन प्रॉब्लम। देखो, ये सब प्रॉब्लम हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम समझें कि अगर हमारे पास प्रोसेसेस हैं और उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो क्या हो सकता है। इसलिए ये सब प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। देखो, आप इस प्रॉब्लम को देखने से पहले आप सबसे पहले समझो, हम पहले समझा रहे हैं आपको। देखो, आप देखे होंगे कि आप एमएस वर्ड चलाते हैं या फिर क्रोम चलाते हैं, ठीक ना? आप चला रहे हैं, दो चीजें चला रहे हैं। एमएस वर्ड से कोई चीज प्रिंट करने के लिए और क्रोम से कोई चीज प्रिंट करने के लिए आपके पास इधर कोई प्रिंटर रखा गया है। ध्यान से समझिए, जितनी चीजें बता रहे ध्यान से समझो। ये प्रिंटर रखा गया, आपने इससे भी कमांड दे दिया प्रिंट होने के लिए और इससे भी कमांड दे दिया प्रिंट होने के लिए, ठीक ना? और ऐसे ही आप हैं, फिर आपका दोस्त है इधर, वो भी आपका अपना लैपटॉप लेके रखा है और वो भी सेम प्रिंटर पे प्रिंट करने के लिए भेज रहा है, ठीक सेम टाइम पे प्रिंट करने के लिए भेज रहा है। तो आप यहाँ बताओ कि यहाँ पे प्रिंटिंग कैसे होगी? ये जो प्रिंटर है कैसे समझेगा कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रिंट हमारे पास आया है, किसको पहले प्रिंट करना है? ऐसा थोड़ी है कि एक प्रिंट कर देगा एक प्रिंट नहीं करेगा, ठीक ना? तो इसको मेंटेन करने के लिए आपके पास प्रिंटर के पास एक डायरेक्टरी होती है। प्रिंटर के पास क्या होती है, एक डायरेक्टरी होती है, उसको बोलते हैं स्पूलर डायरेक्टरी। इसको बोलते हैं स्पूलर डायरेक्टरी, ठीक ना? तो जैसे जैसे आप बारी बारी से या फिर आप एक ही साथ अगर बहुत सारे फाइल को प्रिंट करने के लिए भेज देंगे तो प्रिंटर अपने अंदर एक डायरेक्टरी बनाता है और उसमें फाइल का नाम लिखता है, कितने पेजेस प्रिंट करने हैं और कलर या फिर सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टी लिखता है और बारी बारी से एक एक को निकाल निकाल के अपना प्रिंट करता रहता है, ठीक ना? ये आपका क्या है, आपने समझा कि प्रिंटर कैसे वर्क करता है, इसमें जो स्पूलर होता है कैसे वर्क करता है। लेकिन लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन आ सकता है कि जिस समय आपका ये जो सिस्टम बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है वो काम ना करे। और वो कंडीशन आएगा क्यों, वो कंडीशन इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास जितने प्रोसेस होंगे, जितने प्रोसेस आपके भेजे जा रहे हैं प्रिंट होने के लिए, प्रोसेस के द्वारा जितने प्रिंट भेजे जा रहे हैं, वो सब अगर सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी के लिए इसको हम देखते हैं। अब जैसे समझ जाएंगे, मतलब जैसे आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक ना? आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि प्रिंटर कैसे वर्क करता है। अगर कई सारे सिस्टम से आपके पास एक ही बार प्रिंट करने के लिए आता है तो बारी बारी से कैसे प्रिंट करता है, ठीक है? तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इधर आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस है, मान लो P1 P2 P3 बहुत सारे प्रोसेसेस, ठीक। और इधर आपका प्रिंटर है, इधर आपका प्रिंटर, अगर हम स्पूलर डायरेक्टरी ले लेते हैं, स्पूलर डायरेक्टरी जिसमें आपका प्रिंटर वर्क करेगा एक एक प्रोसेस को निकालने के लिए, तो मान लीजिए जो आपकी स्पूलर डायरेक्टरी है, स्पूलर डायरेक्टरी इसका साइज कुछ होगा, मान लो कि 8 साइज का है, तो इसमें हम बना लेते हैं, ठीक। अगर 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मान लो अगर इसके साइज आपकी है 8 है, ठीक ना? और इधर प्रोसेस को कैसे पता चलेगा कि किस जगह स्लॉट खाली है, हमें कहाँ रखना है? एक्स पीडीएफ है, वाई पीडीएफ है, देन जेड पीडीएफ है। आपके पास ऐसे पीडीएफ दिए गए जो पहले से इसमें है कि इसको यहां से एक एक करके प्रिंट करता रहेगा प्रिंटर, ठीक ना? अब देखो, प्रिंटर के पास एक अपना खुद वेरिएबल है आउट करके कि इसको कहां से एक एक आइटम को निकालना है। तो जीरो से है, मान लो जीरो इसमें लिखा है, तो जीरो से एक एक आइटम निकालता रहेगा, ठीक ना? प्रिंटर के पास अपना खुद का एक वेरिएबल आउट है जिससे अपना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ प्रोसेसेस के पास, सभी प्रोसेसेस के पास एक वेरिएबल है इन करके,
जो बताता है कि किस जगह पे आपको नेक्स्ट आइटम रखना है। यहाँ देखो तीन है ना, तो तीन बताएगा, तीन पे आप नेक्स्ट आइटम रख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये जो इन वेरिएबल है ना, इन जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, इन वेरिएबल आपका सभी प्रोसेस के लिए है, ये नहीं है कि ये सिंगल प्रोसेस के लिए है। इन वेरिएबल सभी प्रोसेस को दिया जा रहा है, मतलब सभी प्रोसेस इन वेरिएबल पे वर्क कर सकते हैं, ठीक। अब यहां ध्यान से समझिए, यहां ध्यान से समझने वाली बात क्या आती है। हमने पहले बताया अगर हमारे पास, ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास शेयर्ड रिसोर्स है, क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है, शेयर्ड रिसोर्स है, तो शेयर्ड रिसोर्स क्या है, पहला आपका इन वेरिएबल, जो इन वेरिएबल है ना, इन वेरिएबल आपका सारे प्रोसेस के द्वारा यूज हो रहा है, और दूसरा क्या है आपका, स्पूलर, स्पूलर डायरेक्टरी, स्पूलर डायरेक्टरी, यही है आपका स्पूलर डायरेक्टरी, जिसमें आपके प्रोसेस लाइन से रखे जाते हैं प्रिंट होने के लिए, अभी प्रिंट होगा उसके बाद ही प्रिंट होगा, ये आपका स्पूलर डायरेक्टरी, ठीक ना। आपके पास क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है, जैसे आपको पता चला कि आपके पास एक शेयर्ड रिसोर्स है, तो शेयर्ड रिसोर्स होने का मतलब क्या है, शेयर्ड रिसोर्स होने का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस। और अगर हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेस है तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्ट मतलब होता है नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ये सब चीजें हम पहले देख चुके हैं, नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हमें सिंक्रोनाइजेशन की नीड क्यों, क्योंकि हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल या फिर शेयर्ड रिसोर्स आ चुके हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए कि आपका गलती ना हो कहीं पे, यही आपका क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बेसिकली हम समझेंगे कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, ठीक ना। उससे पहले हम जो आपका इन और आउट जो वेरिएबल है इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, जिससे आसानी रहेगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा और आप इसे बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक। तो इन क्या है, इट इज ए वेरिएबल, इट इज ए वेरिएबल यूज्ड बाय ऑल द प्रोसेस, इट इज ए वेरिएबल यूज्ड बाय ऑल द प्रोसेस टू नो नेक्स्ट स्लॉट, नेक्स्ट स्लॉट टू पुट द आइटम, और वी कैन से दैट द जो जिसे प्रिंट करना है, आप यहाँ आइटम का मतलब यही समझो कि जिसको प्रिंट करना है, ठीक ना। इन वेरिएबल जो है सभी प्रोसेस के द्वारा यूज होता है, और वो बताता है कि आपका नेक्स्ट आइटम कहाँ रखना है, ठीक ना। अब देखिए आउट वेरिएबल, आउट वेरिएबल, इट इज ए वेरिएबल, इट इज ए वेरिएबल यूज्ड बाई प्रिंटर टू नो फ्रॉम वेयर इट हैज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, ठीक। देखिए ये आउट वेरिएबल क्या कहता है कि प्रिंटर को बताता है कि स्पूलर डायरेक्टरी आपकी है ना, स्पूलर डायरेक्टरी, उस स्पूलर डायरेक्टरी से आपको कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट निकालना है प्रिंट करने के लिए, तो आउट वेरिएबल जीरो, इसमें जीरो से निकालना है, फिर आउट वेरिएबल आपका आगे बढ़ जाएगा तो फिर वन से निकालना रहेगा, ऐसे करके काम होता है, ठीक ना। अब देखिए इसके ऊपर चार लाइन का कोड है, उसको लिख लेते हैं, फिर उस कोड को समझेंगे और एनालिसिस कर लेंगे आपका प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अगर कोई भी प्रोसेस कोई प्रिंट के लिए अगर भेजता है तो उसमें क्या होता है,
ठीक है, आपका कोड है, इसी कोड को फॉलो करके आपके सारे जो प्रोसेस रहेंगे वो प्रोसेस आपका प्रिंटर में प्रिंट होने के लिए भेजेंगे। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास दो प्रोसेस है, ठीक ना, दो प्रोसेस हैं, दोनों प्रोसेस आपका प्रिंट होने के लिए भेज रहे हैं, प्रोसेस नंबर वन एंड प्रोसेस नंबर टू। ठीक, देखिए प्रोसेस नंबर वन और प्रोसेस नंबर टू, इसके पास अगर यस डॉट पीडीएफ प्रिंट करना है और यहाँ पे बी डॉट पीडीएफ प्रिंट करना है, ठीक, ये दोनों भेजेगा प्रिंट करने के लिए, ठीक ना। अब देखिए, तो सबसे पहले हम प्रोसेस नंबर P1 रन करना शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए, यही सबसे बड़ा है खेल, यहीं पे आपको एकदम कंसंट्रेट रहना पड़ेगा और प्रॉब्लम कैसे हो रही है आपको यही समझना है, ठीक ना। उसके बाद तो सब एकदम चिल्ला ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, देखो अगर प्रोसेस नंबर P1 के लिए पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस नंबर P1 के लिए पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ ध्यान से देखो, पहले यहाँ समझ लो, हमने आर आई क्यों लिखा है, आर आई क्यों लिखा है, ये क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर है तो जैसे कोई प्रोसेस बनता है तो उसके लिए कुछ रजिस्टर दिए जाते हैं, कि मतलब आपको ए रजिस्टर मिला है, तो हर आई की वैल्यू के लिए एक प्रोसेस को खुद का रजिस्टर असाइन होगा, ठीक ना। आर आई मतलब ये है कि आपको अगर प्रोसेस P1 है तो उसको R1 रजिस्टर मिल जाएगा, P2 है तो R2 रजिस्टर मिल जाएगा, मतलब हर प्रोसेस को खुद का एक रजिस्टर मिलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे आर आई लिखा है। ठीक, अब देखिए अगर प्रोसेस नंबर P1 आपका पहला स्टेटमेंट रन होने गया, तो जो इनकी वैल्यू है उसको रजिस्टर R1 में रखा जाएगा। देखिए आर आई मतलब P1 के लिए खुद का रजिस्टर है, आर आई में रखा जाएगा, तो आर आई में क्या रखेंगे हम, इनकी वैल्यू क्या है, इस समय इनकी वैल्यू आपकी 3 है, ध्यान से समझना, इनकी वैल्यू आपकी 3 है, तो रजिस्टर में हमने 3 को रख दिया। ठीक, अब प्रोसेस नंबर P1 का जो इंस्ट्रक्शन 2 है वो रन होगा, इसमें क्या दिया है, दिया है कि जो फाइल नेम, मतलब फाइल नेम आपका यस डॉट पीडीएफ है ना, वो आपका आर आई की वैल्यू क्या है, आर आई की वैल्यू 3 है, मीन्स 3 वाले पोजीशन पे जो आपका स्पूलिंग डायरेक्टरी है उसमें आर आई की वैल्यू आपने यहाँ 3 बताई है, तो 3 वाले पोजीशन पे आपको P1 का फाइल नेम मतलब P1 को रख देना है, तो P1 का जो प्रिंट भेजा है उसको रख देना है, तो क्या हो जाएगा, यस डॉट पीडीएफ आपका 3 पे चला गया। ठीक, ध्यान समझिएगा, यस डॉट चला गया। अब देखिए, अब आपका इसमें P1 का ही तीसरा स्टेटमेंट रन होगा, ध्यान समझना भाई, यही सबसे बड़ा खेल है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आर आई मतलब P1 का काम हो रहा है तो P1 का रजिस्टर लेगा, तो उसमें आर आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दो, 4 इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इंक्रीमेंट जो हुआ है रजिस्टर के अंदर हुआ है, नो कि इनकी वैल्यू चेंज हुई है, इनके वैल्यू में हमने अभी तक कोई चेंज नहीं किया, इनकी वैल्यू यहाँ कुछ नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे बस आपका रजिस्टर जो P1 प्रोसेस था उसका रजिस्टर उसके वैल्यू में चेंज हुआ है। इसके बाद यहाँ पे P1 रन होना बंद हो जाएगा और P2 की बारी आ जाएगी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे P1 रन होना बंद क्यों हो गया, क्योंकि हमने पहले ही पिछले वीडियो में जब हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर देख रहे थे तो वहां पे हम बताए थे कि कोई भी प्रोसेस किसी भी समय क्या बोलते हैं आपका सिस्टम से प्रियम्प्ट हो सकता है, सिस्टम से बाहर निकल सकता है, या फिर सीपीयू में कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो किसी भी समय उसको बाहर निकाल सकते हैं, हालांकि कंडीशन ये है कि जब किसी समय उसको बाहर निकालने जाते हैं ना, तो उस समय जिस इंस्ट्रक्शन को रन कर रहा होता है उस इंस्ट्रक्शन को रन कर लेता है फिर बाहर आ जाता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इसको अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं, तो इसको इसको लिख लीजिए, देखिए अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख लेंगे, नोट के तौर पे लिख लीजिए, हमने इसको पिछले वीडियो में भी बताया है, लेकिन अब अगर आप इसको दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एनी रनिंग प्रोसेस कैन बी प्रीएम्प्ट एट एनी पॉइंट
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करेंट इंस्ट्रक्शन। अगर कोई प्रोसेस सीपीयू में रन हो रहा है ना, तो वो प्रोसेस आपका किसी भी समय सीपीयू से बाहर हो सकता है, सीपीयू से किसी भी समय बाहर हो सकता है। क्योंकि ये बाहर इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए प्रेजेंट टाइम में आपका कोई भी सिस्टम है ना, तो उसपे ऐसा थोड़ी है कि आप अगर वर्ड पे काम कर रहे हो तो बस वर्ड पे काम करो, कोई दूसरा काम ना कर सको, साथ में व्हाट्सएप ना चला पाओ, साथ में यूट्यूब ना चला पाओ, ऐसा कंडीशन है कि आपके पास? ऐसा नहीं है। तो आप एक ही साथ मल्टीटास्किंग करते हैं, इसको आप नीचे समझिए, आप क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही साथ आप कई काम करते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग करते हैं, ठीक ना, मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग करेंगे तो मल्टीटास्किंग हुआ कैसे, एक ही साथ कई प्रोसेस को रन होना पड़ेगा। तो आप जो देखते हैं यूट्यूब चला लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, एक ही साथ सब चलता रहता है, वो एक ही साथ सीपीयू में या प्रोसेस में रन नहीं होता है, वो नैनो सेकेंड में सीपीयू में जाता है, आता जाता, इतना बार आता जाता है नैनो सेकेंड में, लाखों, आप जब तक सोचेंगे उसके बारे में तब तक हजारों बार अंदर सीपीयू में जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको पता नहीं चलता, उस काम होता रहता है, प्रोसेस पूरे रन होते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे राउंड रोबिन लगाना पड़ेगा, राउंड रोबिन प्रेजेंट टाइम में जितना भी आपका प्रोसेस या फिर बनाया जाता है, ये सीपी बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, वो आपका राउंड रोबिन पे बेस्ड होता है। और राउंड रोबिन मतलब क्या है कि सभी प्रोसेस को मौका मिलेगा, और सभी प्रोसेस को रन होने के लिए मौका मिलेगा, इसका मतलब प्रियम्पशन होना ही है। प्रियम्पशन मतलब कोई प्रोसेस रन हो रहा तो उसको बाहर आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसको बीच में आपने प्रियम्प्ट कर दिया, बीच में आपने प्रियम्प्ट कर दिया, तो किसी भी समय हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आप अगर उसको प्रियम्प्ट कर रहे हो ना, तो करेंट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको रन करने के बाद ही प्रियम्प्ट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आप इस पॉइंट पे प्रियम्प्ट कर सकते हो, इस पॉइंट पे प्रियम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हुआ कि लोड बस पड़ा यहाँ से प्रियम्प्ट कर लो, ऐसा नहीं है। अगर कोई कोई अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगा तो वो कंप्लीट होने के बाद ही आपका तुरंत प्रियम्प्ट कर लो, कभी प्रियम्प्ट हो जाएगा, लेकिन करंट में जो काम कर रहा होता है उसको काम करने के बाद ही प्रियम्प्ट होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब अपने इसके इस बात पे आते हैं क्योंकि हमने इसे अलग समझा था। अब देखिए प्रोसेस नंबर P1 का आपका जैसे थर्ड स्टेटमेंट हुआ, उसके बाद प्रोसेस नंबर P1 का काम बंद, ठीक, प्रोसेस नंबर P1 का काम बंद हो गया, तो इस समय क्या हो गया, प्रोसेस नंबर P2 का पहला इंस्ट्रक्शन रन होगा, प्रोसेस नंबर P2 का पहला इंस्ट्रक्शन रन होगा। तो इसके लिए एक खुद का रजिस्टर R2 है, हमने यहाँ RI के लिए बताया था, यहाँ पे इसके लिए खुद का रजिस्टर R2 है, उस रजिस्टर में आप जो इन की वैल्यू है उसको रख रहे हो। आप यहाँ से 4 नहीं रख दोगे, और वहां आपने इन जो है ना, इनको आपने चेंज नहीं किया था, आप इनको चेंज क्यों नहीं किए थे, क्योंकि अभी अभी P1 का 3 ही इंस्ट्रक्शन रन हुआ था, चौथा अभी स्टोर किया ही नहीं था, इनका जो मेमोरी लोकेशन है उस पे R1 की वैल्यू को रखा ही नहीं था, 4 रखा ही नहीं था, अभी 4 बेचारा रखने ही वाला था, तब तक उसको बाहर कर दियो, इसका मतलब इनका वैल्यू अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इनकी वैल्यू कितनी है अभी, इनकी वैल्यू आपकी 3, ठीक ना। अब देखो, और P2 का अब दूसरा इंस्ट्रक्शन रन होगा, P2 का दूसरा इंस्ट्रक्शन रन होगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है आपका, कि फाइल नेम जो v.file name है, इस फाइल नेम को आप इस पोलिंग डायरेक्टरी में रखो, किस जगह पे रखो, 3 वाले जगह पे रखो। तो 3 वाले जगह पे आप रखने जाओगे तो तुरंत यस वाला जो है उसको हटा के यहाँ पे v.pdf आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे डाटा का लॉस हो गया, डाटा का क्या हुआ, लॉस हो गया। अब देखो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपने इसी पॉइंट पे प्रियम्प्ट क्यों किया, आपने इसी पॉइंट पे प्रियम्प्ट क्यों किया, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, आप यहाँ प्रियम्प्ट क्यों कर रहे हैं। देखो, अगर प्रियम्प्शन नहीं हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से रन होगा, सारा का सारा बिल्कुल अच्छा काम होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपको ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है कि वो हर कंडीशन में काम करे, और प्रियम्पशन तो होना ही होना है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग करेंगे, राउंड रोबिन लगाएंगे, तो वहां प्रियम्पशन होना ही होना है,
तो प्रियम्पशन होना है तो किसी एक कंडीशन में आपको प्रॉब्लम क्यों अकर करना, प्रॉब्लम क्यों अकर करना, प्रॉब्लम आपको अकर नहीं करना है। इसीलिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि वो हर कंडीशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे। आई थिंक आप इसको यहां समझ चुके होंगे, ठीक ना। और आप ये कहो कि यही प्रियम्पशन क्यों किया, भाई कहीं प्रियम्पशन हो सकता था, प्रियम्पशन का कोई ऐसा ठिकाना नहीं है कहीं प्रियम्पशन हो सकता है, प्रियम्पशन कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रियम्प्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक ना। तो हम आगे चल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि किसी भी समय कभी भी प्रियम्पशन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आपको यहाँ यह क्या समझ आया, आपको यहाँ क्या समझ आया, यहाँ पे आपका यस डॉट पीडीएफ आपका गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका लॉस ऑफ डाटा, क्या है आपका लॉस ऑफ डाटा, आपका डाटा का लॉस हो गया। देखिए जो हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर देखा था ना, उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपका इनकंसिस्टेंसी हो रहा था, उसमें आपका इनकंसिस्टेंसी हो रहा था। तो जो अगर दो प्रोसेस आपके सिंक्रोनाइज नहीं है तो क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी हो सकता है या फिर लॉस ऑफ डाटा हो सकता है। देखो यही आपके नॉ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने के क्या बोलते हैं, मतलब ये प्रभाव बोल सकते हैं, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक ना। इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, डाटा का लॉस हो सकता है। और एक और चीज है आपका कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने से आपका डिड लॉक हो सकता है। डिड लॉक मतलब सिस्टम बिल्कुल काम करना बंद, ठप पड़ गया। ठप पड़ गया मतलब एक ऐसा कंडीशन आ गया जिस समय सभी प्रोसेस बिल्कुल रुक गए हैं, किसी भी प्रोसेस को, एक प्रोसेस दूसरे के लिए वेट कर रहा है, दूसरा इसके लिए वेट कर रहा है, सब एक दूसरे में फंसे हुए, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इस डेड लॉक को हम आगे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ब्रीफली समझेंगे और इसका एक पूरा कंसेप्ट अलग है, ठीक ना। तो पहले हमने क्या देखा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, इनकंसिस्टेंसी, फिर इसमें देख लिया कि डाटा का लॉस हो रहा है, फिर डेड लॉक भी होता है, ठीक ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा हुआ क्यों, इसको भी लिख लेते हैं। सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखते चलेंगे तो आपको ये बाद में पढ़ने में बिल्कुल अच्छा रहेगा, ठीक हो। द प्रोसेसेस वर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, देयरफोर लॉस ऑफ डाटा, और यहाँ पे सिंक्रोनाइज किस तरह नहीं था, मतलब कि सिंक्रोनाइज कैसे नहीं था, सिंक्रोनाइज इस तरह नहीं था कि जो इन वेरिएबल को यूज कर रहा था, इन वेरिएबल यूज हो रहा था, इन वेरिएबल नॉट सिंक्रोनाइज्ड, और देखो जो इन वेरिएबल आपका क्या था, शेयर्ड रिसोर्स था, और जहां शेयर्ड रिसोर्स आया वहां पे आपका सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो सकता है, ठीक ना। आई थिंक आप बिल्कुल यहाँ समझ चुके होंगे कि कैसे आपका प्रिंटर स्पूलर डेमन प्रॉब्लम हुआ। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को देखा था, तो इसमें आपका इनकंसिस्टेंसी हो रही थी और नीचे वाले ने आपका लॉस ऑफ डाटा हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, इनकंसिस्टेंसी हुआ था और यहाँ पे आपका लॉस ऑफ डाटा हो गया होता है, जो हम आगे देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आई थिंक आप बिल्कुल यहाँ समझ चुके होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, जो इनकंसिस्टेंसी हो जा रही है, लॉस ऑफ डाटा हो जा रहा है या डेड लॉक हो जा रहा है, इन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर कौन कौन से टेक्निक लगाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। और इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम जैसे हो जाएंगे डाइनिंग फिलोसफर वाले प्रॉब्लम है, उसको भी हम आगे चल के सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू। आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप लाइक कर सकते हैं, थैंक यू।